इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच वट इज़ दिस दैट वी आर एक्चुअली रिलेटिंग दिस वि इंटेलैक्चुअल डिवेलपमेंट ऑफ अ पर्सन तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का मतलब ये है कि हाउ डू वी प्रोसेस अवर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ स्टोर ऑलरेडी इन आवर माइंड तो दैट इज़ आल्सो यू नो डिपेंडेंट ऑन योर इंटेलिजेंस कि इंफॉर्मेशन तो एक चैनल से तीस लोगों ने ली है लेकिन उसको स्टोर करना और उसको फिर मौके की मुनासबत से प्रोसेस करना जो है ये इंटेलिजेंट आदमी का काम है अब सारे लोगों को ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी उन्होंने अगर एक मूवी वॉच की है तो सारी मूवी उनको एक दफ़ा सबसे पूछा जाए तो सबको एक जैसी याद नहीं होती तो मतलब ये कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसको आगे प्रोसेस करना ये भी इंटेलिजेंस जो है इसके साथ लिंक्ड है और इसको ये ये इस तरह से देखते हैं कि जैसे कंप्यूटर uh, है आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और हाउ टू स्टोर इट और जब आपको ज़रूरत होती है तो आप अपनी उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ऐसे ही आपका माइंड जो है वो एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन पर सेव करते हैं पहले लेते हैं आप उसको फिर आपके अंदर दो टाइप्स की मेमोरी है जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ जाके स्टोर होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए स्टोर है जैसे आपने एकदम से कोई पिक्चर देखी और आपके दिमाग के इमेज में वो चली गई अब उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में, में आपके वो इवेंट्स हैं जैसे चाइल्डहुड इवेंट्स हैं तो उसमें कोई इवेंट जो हैं ऐसे हैं जो आपको बचपन से लेके अब तक याद हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं आ, स्टोर रूम में चले जाते हैं तो अब ये डिपेंड करता है कि उन इन इवेंट्स को एक बंदा फ़ौरन याद कर लेता है यानी उसको फ़ौर से एक चीज़ याद आ जाती है और एक जो है वो बावजूद बड़ी कोशिश के उसको वो चीज़ें याद नहीं आती तो चीज़ों को मेमोराइज़ करना या प्रोसेस करना इन्फॉमेसन को प्रोसेस का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे ही आपको किसी इन्फॉमेशन की ज़रूरत पड़ी आपने फ़ौर से इन्फॉर्मेशन अपने स्टोरों में से निकाली और उसको आपने अप्लाई कर दिया तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच जो है वो ये कहती है कि इंसान की जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है उतनी तेज़ी के साथ वो अपनी इन्फॉमेसन को देर तक स्टोर भी कर सकता है और उसको प्रोसेस भी कर सकता है तो यहाँ पे एक दो मेजर कॉग्नेटिव प्रोसेस इन्होंने कहा मेमोरी एंड थिंकिंग अब इंफॉर्मेसन तो आपने हासिल कर ली कि एक आपने किसी आ, कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाना आपने सीख लिया अब मुख्तलिफ़ तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को बजाना इन्फॉर्मेशन तो ये थी कि हाउ टू प्ले द प्ले दिस पियानो लेकिन अब इतनी ज़्यादा मुख्तफ इनोवेशन करके ट्यून्स बनाना वो अब आपकी इंटेलिजेंस का काम है कि उस हासिल की हुई इंफॉर्मेशन को अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है इसी तरीके से आ, एक स्कूलिंग एक बच्चे की हो गई है तो उसने मुख्तिक कॉन्सेप्ट वहाँ पर पढ़े हैं लेकिन उन कॉन्सेप्ट की मदद से एक नई चीज़ बनाना हर बच्चे का काम नहीं हो सकता इसलिए उसके लिए जो है इंटेलिजेंस चूँकि डिफरेंट अमाउंट के साथ है और डिफरेंट लेवल्स के साथ होती है तो जितनी मैं इंटेलिजेंस होगी जितनी उसकी आ, उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी उसी तरह से वो अपनी इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर सकता है जैसे एग्जामिनेशन हाल है वहाँ पे बच्चों को क्वेश्चंस जो है वो सारे पढ़ के आए होते हैं किसी को अच्छी तरह से याद है किसी को अच्छी तरह से याद नहीं है अब वो याद की हुई इन्फॉमेसन को उस टाइम पे उस क्वेश्चन के मुताबिक जहन में लेके आना और उसको प्रोसेस करना दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच है इसमें ये कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक्टिव इन्फॉमेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है उसका फौरी तौर थोर पे आपकी इन्फॉमेसन जो है वो एक्टिव माइंड जो है वो ले आता है वो कहता है जी फला वक्त में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी फलां वक्त में मैंने ये मूवी देखी थी उसमें ये बात हुई थी सो दैट इज़ एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस उसके बाद चिल्ड्रन डिवेलप एंड रिफाइन देयर मैकानिज़म टू एक्वायर प्रोसेस स्टोर एंड वर्क विद इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड स्किल ओवर टाइम जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना उसको देर तक याद रखना और उसके साथ साथ उस इंफॉमेशन को प्रोसेस करने का कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ आसान से मुश्किल की तरफ जब जाते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं अगर उनकी माइंड में वो अच्छे तरीके से उस टाइम पे उन्होंने उसको स्टोर किया था अच्छा इसमें भी कई चीज़ें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जैसे हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हुए जैसे आप एक चीज़ फ्रिज में रखने जा रहे हैं लेकिन आप सोच कुछ और रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने उसको स्टोर करते हुए अटेंशन पे नहीं की तो अटेंशन ना पे करने की वजह से जब दोबारा आप याद करेंगे मैंने वो फलां चीज़ कहाँ रख दी थी तो आपकी जो है वो चीज़ आपको याद नहीं आएगी तो मतलब यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन स्टोर करते हुए भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में देर तक आपकी हेल्प करते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी उस इन्फॉमेशन को फौरी तौर पर आपको के माइंड में ना लाने के पीछे भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे मैंने अन इंटेंशन आपको बता दिया है कि उस वक्त इसलिए हमें चीज़ जो है वो हमारे माइंड में फ़ॉर इन्फॉर्मेशन नहीं आती क्योंकि हमने उसको ठीक तरीके से स्टोर नहीं किया होता तो इंप्रूवेबिलिटी इज़ फर्दर लिंक टू बेटर मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी जितनी अच्छी मेमोरी होती है इंटेलिजेंस उसके साथ काम करती है और आप चीज़ों को मेमोराइज़ बड़ी जल्दी से क्विक से करते हैं तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अगर इन्फॉमेशन को स्टोर आपने बड़े अच्छे तरीके से किया है कुछ थोड़े स्टेप्स के साथ तो आपकी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग लॉन्ग पीरियड तक जो है वो आपकी स्टोर रहेगी और जिस वक्त आपको ज़रूरत होगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं